कितना कुछ छिपा है इसमें, ये तुमको दिखलाता हूँ। देखो 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 सीएम आया, 40 लाख की पॉलिसी लाया। पुरस्कार देवे सज्जनों, आज एक बात कहने आया हूँ, साथ साथ जग बांध कर रखूंगा डॉक्टर को अपने ही राज्य से, और जिसको ये मंजूर नहीं, हाँ जिसको ये मंजूर नहीं वो बंदो मेरी जेब 40 लाख से। क्यों भरे तेरी जेब 40 लाख से? अच्छा इतना भी ना हो तुम पे तो लोन ले लो बैंक से, पर याद रखना इसकी भरपाई, हाँ इसकी भरपाई खुद समेत कराऊंगा तुमसे। चलो अब सीएम सर कह रहे हैं तो जॉब की गारंटी तो लेते होंगे। क्या गारंटी लेते होंगे? एमबीबीएस के बाद एक अच्छी जॉब तो देते ही होंगे। रुको रुको भैया, क्या हम अब फिर सरकार से एक अच्छी जॉब की उम्मीद कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अरे अरे जागो जनता जागो। अरे इतनी कहीं से वैकेंसी सी नहीं है जितने हम डॉक्टर हर साल बनते हैं। आवाज उठाने की इच्छा तो तब भी थी पर कोविड के कारण रुक गए, जो हमारी मजबूरी थी। हाँ बड़ी मजबूरी थी। उस वक्त तो करा लिया एडमिशन एफिडेविट की मीटिंग होने देकर। क्या 60% फीस बढ़ाते हैं? हाँ 60% फीस बढ़ाकर पेट नहीं भराता तुम्हारा। जो आ गए 40 लाख की पॉलिसी लेकर। हाँ 40 लाख की पॉलिसी लेकर। इस साल तो हद ही कर दी इसने, एफिडेविट तो छोड़ो 40 लाख फीस ही कर दी इसने। अब वो एडमिशन से पहले पैसे दे दो इनको, कहता है पैसे दो एडमिशन लो, पैसे दो एडमिशन लो, पैसे दो एडमिशन लो, पैसे दो एडमिशन लो, पैसे दो एडमिशन लो। सुनो सुनो सुनो, चलो 10 लाख की राहत दी मत देना तुम नगर मुझे, पर 40 लाख के लोन का बोझ भी पड़ेगा तुझे। जब आवाज उठाई इस पर तो उस आवाज को भी दबा दिया गया, जब बैठे थे शांति से विरोध में तो पुलिस द्वारा उठवा दिया गया। अरे घसीटा गया था आधी रात में डॉक्टरों को, दिखाई ताकत काटी की, हम बच्चों को देख भी शर्म ना आई, ना लाज रखी व्हाइट कोट की। क्या सोचा था डर जाएंगे छोटी सी पानी की धार से? अरे हम डॉक्टर हैं, हम ना डरे थे कोविड की मार से। जब जरूरत थी तो मर मिटे थे हम करने को देश की सेवा, जब जरूरत थी तो मर मिटे थे हम करने को देश की सेवा। और कहते हो तुम जीते हैं हम खाने को मेवा। ये कौन तू ना पाए जब पहले जीते ना पाए, और ना कोई को तू बंदी बनाए। तेरा घर तेरा कौन तेरी शर्त, दूरी रख दूरी रख, साधा हक ऐ तेरा, साधा हक ऐ तेरा, साधा हक ऐ तेरा। We want justice, we want justice, we want justice। लेकिन आप एक कॉमन काम के लिए आए हुए हैं, वो है पीजीआई में दिखाना कि भाई थोड़ी दवाई करवा लेगा। और आप पीजीआई में ही क्यों आते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कारण क्या है भाई पीजीआई के अंदर ही क्यों आते हो, प्राइवेट के अंदर क्यों नहीं जाते? गरीबी के कारण। गरीबी के कारण जाते हो आप लोगों का ये है कि भाई 5 रुपए में वहाँ पे कार्ड बढ़ जाएगा, 10 रुपए में वहाँ पे एक्सरे की पर्ची बढ़ जाएगी, 50 रुपए में ये काम हो जाएगा, ये कारण होता है आने का। क्योंकि क्योंकि आप लोगों को यह विश्वास है कि पीजीआई जैसी संस्थाओं के अंदर जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ऐसी है कि इन संस्थाओं को भी प्राइवेट कर दिया जाए, और उसकी शुरुआत उन्होंने इस बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से की है। जनता को इस तरह से बताया जा रहा है कि भाई डॉक्टर सरकारी में काम नहीं करना चाहते, इस वजह से उनको यहाँ बांध के रखने के लिए हम ये पॉलिसी लेकर आए हैं। वास्तविकता ये है कि इनके पास नौकरियां ही नहीं है, अगर इनके पास नौकरियां होती, हरियाणा में 2022 में 700 पदों के ऊपर 7,000 लोगों ने आवेदन किया था, उस समय इन्होंने 7,000 वैकेंसियां क्यों नहीं निकाली? वैकेंसी निकालते हैं 500, उस पे फार्म भरने वाले होते हैं 5,000, और फिर कहते हैं डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते, डॉक्टर नौकरी नहीं करना चाहते, बिल्कुल निराधार झूठ है। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर
ये नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? कोई जवाब है इस बात का किसी के पास में? एक तरफ कह रहे हैं जॉब की कोई गारंटी नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं डॉक्टर नौकरी नहीं करना चाहते, एक तरफ कहते हैं हमारा मकसद है सबको अच्छी शिक्षा देना, एक तरफ कहते हैं जिससे पैसा लिया जा सकता है उससे ले लिया जाए। जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं माननीय जेपी दलाल साहब, उन्होंने कल ही एक बयान दिया है कि भाई सबका भला संभव नहीं है, किसी ना किसी से तो लेना ही पड़ेगा, जो दे सकता है उससे तो ले लो। हम लोग भी आपके ही परिवारों से आते हैं, हमारे भी माँ बाप कहीं पे ऐसे ही इलाज कराने के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर है वो कोई अमेरिका से नहीं आया हुआ, वो भी कोई कलानौर से है, कोई रोहतक का रहने वाला है, कोई सिरसा का है, कोई पंचकूला का है, हरियाणा ही प्रदेश के छात्र है। हम भी ऐसे ही परिवारों से आते हैं। आप एक बात बताइए, अगर 40 लाख रुपए देने की गुंजाइश होती तो प्राइवेट कॉलेज में नहीं चले जाते, पीजीआई में क्यों आते? लेकिन हमारा भी ये दायित्व बनता है कि अगर इस संस्था को छेड़ा जाएगा, अगर पीजीआई को छेड़ा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप जिस भी जगह से आते हैं, वहाँ पे जो भी विधायक है आपके, आप पार्षद को जानते हो, किसी मंत्री के साथ आपका संपर्क है, आप जरूर एक बार उनसे पूछो कि पीजीआई के साथ क्यों छेड़खानी की जा रही है, वहाँ पे कम मेरिट वाले बच्चों को क्यों दाखिला देने की आप लोग योजना बना रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तो कम मेरिट वालों से काम चला लूंगा। मुख्यमंत्री जी तो कम मेरिट वालों से काम चला लेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो मेदांता में इलाज कराते हैं, लेकिन आप तो पीजीआई में इलाज कराते हो, आप कैसे काम चलाओगे? आप तो मेदांता अपोलो में नहीं जा सकते। अनिल विज जी जिस टाइम कोविड के टाइम पे हुआ था, उनसे पूछो उन्होंने कहाँ इलाज कराया था, वो पीजीआई में नहीं आए, वो मेदांता में जाते हैं, अपोलो में जाते हैं, फोर्टिस में जाते हैं, पीजीआई में क्यों नहीं इलाज कराने के लिए आते? क्योंकि इन संस्थाओं को तो वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वो खुद भी यहाँ पे इलाज कराए ना, उनके लिए तो कहते हैं वहां पूछो, वहां तो आपको बेस्ट इलाज चाहिए। और जो पीजीआई में डॉक्टर आ रहे हैं, जो पीजीआई में स्टूडेंट आ रहे हैं, वहां आप कह रहे हो हम कम मेरिट वालों को चला लेंगे, ये तो जनता के साथ अन्याय हुआ ना। जनता को तो आप कम मेरिट वाले डॉक्टर दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? जब जनता का अधिकार है अच्छे स्वास्थ्य का, तो उनका ये भी अधिकार है कि उनके लिए अच्छे डॉक्टर खड़े हो। उनके लिए अच्छे डॉक्टर तभी खड़े होंगे जब अच्छी मेरिट वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एमबीबीएस में दाखिला लेंगे, वरना जब एमबीबीएस में स्टूडेंट ऐसा आएगा कल को वही चल के डॉक्टर बनेगा, वही कल को चल के सर्जन बनेगा, तो आप लोगों को कैसा डॉक्टर मिलेगा? इसलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी अपील है, आप भी हमारे माँ बाप दादा दादी जैसे लोग हो, हम भी आप जैसे परिवारों से आते हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए, हमारी आवाज का माध्यम बनिए, व्हाट्सएप के थ्रू जितना भी आप इस मैसेज को हमारे को सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने घर परिवारों में, अपने कॉलोनियों में, अपने चौक चौपालों पे, अपने गांव मोहल्ले में आप जाके इसके बारे में चर्चा छेड़िए कि संस्थाओं को क्यों खराब करा जा रहा है। कल को पीजीआई नहीं रहेगा तो हम कहाँ इलाज करवाने जाएंगे? कल को पीजीआई नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे कैसे डॉक्टर बनने का कम पैसे में सपना देख लेंगे? कल को पीजीआई नहीं रहेगा तो कोचिंग हमारे बच्चों को जो हम करवा रहे हैं, दो दो तीन तीन साथ कोई दिल्ली भेजता है, कोटा भेजता है, उसका क्या महत्व रह जाएगा? जब तक आम जनता इस आवाज को नहीं उठाएगी तब तक सरकार के बहरे कानों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। आज हम आप लोगों के लिए खड़े हैं यहाँ पे ताकि पीजीआई के अंदर आप जिस उम्मीद से आ जाते हैं, सुबह 6-6 बजे ट्रेनों में बैठ के आप आते हैं, आप उसी उम्मीद से पीजीआई में आते रहें। इस चीज के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहें।